इस वीडियो में मैं आपको ऊटी की टॉय ट्रेन की जर्नी दिखाने वाली हूँ। ऊटी की टॉय ट्रेन से जो आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे वो आपका मन मोहने वाले हैं। यहाँ की चाय के बागान और खूबसूरत पहाड़ देखने लायक हैं, जहाँ आपको बहुत ही सुहावना और आनंद भरा मौसम मिलेगा। जब आप चिलचिलाती गर्मी से यहाँ की ठंडी ठंडी हवा में आएंगे तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो और ये देखिए, यहाँ पे सनराइज हो चुका है और बहुत ही शानदार नज़ारा सनराइज का आपको दिखाते हैं। वैसे रात भी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक, मुझे तो अच्छी नींद आई। मुझे इनको थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, तो अब इनको नींद आई या नहीं, मैं तो वही फुल खराटे लेके सो रहा था। और आज है डे सेकंड ऊटी का, तो हम लोग आज जा रहे हैं कुन्नूर टॉय ट्रेन से। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ, तो मैं आपको टॉय ट्रेन का जर्नी दिखाती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ टॉय ट्रेन पे, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अभी अभी मैंने स्वेट शर्ट नहीं पहनी है, अभी मतलब हल्का हल्का ठंडा है, अभी उतनी ठंड नहीं है। शाम को थोड़ी ठंड बढ़ जाती है 3 से 4 के बीच, तो मैं स्वेटर अपना लेके जा रही हूँ, अगर लगी तो वहीं पहनेंगे। और हम लोग का जो टाइम है टॉय ट्रेन का वो 9:15 पे है, तो 1 से 1.5 घंटे में हम लोग कुन्नूर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से कुन्नूर घुमाने के लिए हम लोगों ने कैब बुक की है, तो 4 लोग हैं हम लोग, तो कुन्नूर घुमाने का उसने 3,500 रुपये लिया है। कुन्नूर घुमाएगा और थोड़े बहुत आज ऊटी के पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, तो 3,500 सही लिया है, कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको ऊटी का टॉय ट्रेन दिखाती हूँ। ये ऊटी का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। उधर आई लव ऊटी भी लिखा हुआ है। और अभी हमारी टॉय ट्रेन आएगी, तो मैं उसका जर्नी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और जो ऊटी का टॉय ट्रेन का किराया है वो 150 पर पर्सन है, तो हम 4 लोग हैं, तो हम लोगों ने 600 रुपये पे किया है। जाना और आना दोनों मिला के है, तो हम लोगों ने आने का टिकट कैंसिल करा दिया है टॉय ट्रेन का, क्योंकि हम लोग वहाँ से कैब बुक करेंगे तो हम लोगों के 200 रुपये कट गए हैं, तो हम लोगों को 400 रुपये की पड़ी है जाने जाने की टिकट, क्योंकि पहले हम लोगों ने आने का टिकट बुक करा लिया था, फिर हम लोगों ने कैब बुक कर ली तो वहाँ घूमेंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने आने की टिकट कैंसिल करा ली है। तो इतना कुछ नहीं है, 200 रुपये कट गए, कोई बात नहीं, वहाँ पे अच्छे से घूमेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टेशन और ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। अब रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है पता नहीं है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोगों की टॉय ट्रेन आ चुकी है, ये हमारी टॉय ट्रेन है, आप देख सकते हैं। मैं आगे से दिखाती हूँ आपको, मजा ले रहे हैं, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है।
इस वीडियो में मैं आपको कुन्नूर की जर्नी दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट कवर किए कुन्नूर के और कहाँ कहाँ गए मैं आपको वो सब दिखाने वाली हूँ, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग अब कुन्नूर पहुंच चुके हैं और टॉय ट्रेन से हम लोगों को 1.5 घंटा लगा, तो हम लोग 9:15 पे चले थे तो 10:45 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग कुन्नूर के टी प्लांटेशन पे आए हैं। मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और व्यू भी शानदार है एकदम, जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही है। चलिए मैं दिखाती हूँ व्यू आपको। हम लोग यहाँ जो टी प्लांटेशन है इसका सिंगाड़ा टी गार्डन है, ये मैं सिंगाड़ा टी गार्डन पे आए हुए हैं हम लोग। बैटरी ओरिजिनल है, ग्रीन टी मसाला टी कुन्नूर तो फेमस। सो दिस इज बिग लीफ, स्मॉल लीफ तो ग्रीन टी, स्मॉल लीफ ग्रीन टी, ग्रीन टी ओके, बिगर वन वी प्रोसेस इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री फैक्ट्री ऊटी कुन्नूर। ओके, फैक्ट्री लो ओरिजिनल ग्रीन टी नहीं। ओके, ओनली ओनली दिस वन। यस, चाय के लगाना है रात को सर से। ये कहां से लेना मेरी फोटो? यहीं चढ़ जाओ। ओके, फिर चलना नहीं। फोटो में डालो फोटो दे फोटो। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, टी वगैरह ख़रीदी, तो ड्राइवर ने एक जगह रोका, वहाँ से हम लोगों ने टी वगैरह ख़रीदी। मैं आपको वो शॉप दिखाती हूँ। नीलगिरी का पेड़, नीलगिरी ये पर्वत का नाम, जगह का नाम, उसका मेन रॉ मटेरियल यही है। ये कैसे बनते दो मिनट बताएगा सर। ऑयल फैक्ट्री बोला तो सब लोग क्या सोचते, बड़ा बड़ा बॉयलर्स, बड़ा बड़ा मशीनरीज, वैसे नहीं सर। ये पूरा कॉटेज है, इतना स्पेस काफी है तेल भरने के लिए। ऊपर ड्रम भी चल रहा है, कैपेसिटी 500 लीटर। इसमें 300 kg ड्राई यूकलिप्टस लीव्स लोड करते हैं, 200 लीटर पानी डालते हैं। इसका नीचे फर्नेस है, उसी से 160 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करते हैं। 6 घंटे उबालने के बाद ये पाइप का अंदर स्टीम आएगा, स्टीम बहुत गर्म से आते हैं, उसी के लिए ठंडा पानी से कूलिंग करते हैं, कंडेंसेशन बहुत। कंडेंसेशन करने के टाइम वो गर्म स्टीम लिक्विड हो जाएगा, वो ड्रॉप बाई ड्रॉप इधर कलेक्ट होते हैं। इधर आने के टाइम पानी भी आते हैं, तेल भी आते हैं, तेल का डेंसिटी बहुत कम है ना सर, पानी का ऊपर फ्लोटिंग होता है, पानी नीचे रहेगा ऑयल ऊपर फ्लोटिंग होता है। सिर्फ ये फ्लोटिंग ऑयल कलेक्ट करके लैब को जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में प्यूरीफाई करते हैं। इसका सुगंध देखो, स्टीम लेते हैं ऐसे।
हम लोग जब डॉल्फिन नोज के लिए जा रहे थे तो वहाँ से 15 मिनट पहले एक व्यू पॉइंट दिखा था, मतलब इसका कुछ नाम नहीं है लेकिन ऐसे ही व्यू पॉइंट है, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीनिक व्यू मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ कुछ देर रुके और यहाँ पे जो झरना है जो आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही झरना आपको डॉल्फिन नोज पे भी दिखेगा कुछ कुछ, मतलब जो डॉल्फिन नोज से आपको नज़ारा दिखेगा कुछ कुछ नज़ारा यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने 10-15 मिनट यहाँ पे बिताए और काफ़ी औसम व्यू मिल रहा था यहाँ से, आप देख सकते हैं। सो वी आर एट डॉल्फिन नोज पॉइंट, एक व्यू पॉइंट है, इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। So let's see the view. चाय के बगान और सब ये जानबूझ के कह रहे हैं आप? नहीं नहीं हम सही कह रहे हैं, बंदर आ रहा है। चले चले भाई चले चले। हम लोग यहाँ पर एक व्यू पॉइंट पे आए हुए हैं, तो यहाँ एक माइक्रोस्कोप से दिखा रहे हैं व्यू पॉइंट, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे गोलमाल मूवी की शूटिंग हुई थी, ये दूर से आप देख सकते हैं, एक व्यू है आपको चर्च टाइप का दिख रहा होगा, वाइट एंड रेड कलर की बिल्डिंग है, व्यू देखिए कितना शानदार है। ये आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, मैं ऊपर खड़ी हूँ तो पता नहीं क्लियर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दिल से मूवी का जो गाना है छैया छैया यहाँ पे शूट हुआ था, और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की भी यहाँ शूटिंग हुई थी। और ये जो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, यहाँ से गोलमाल मूवी की शूटिंग हुई थी, वो चर्च दिख रहा है। यहाँ से आपको ऊपर से इतना वीडियो से क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैं इस माइक्रोस्कोप से देख के मुझे दिखा वाइट कलर की चर्च दिखी है मुझे। 2:30 टाइम हुआ है और हम लोग अभी लंच के लिए आए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और मैं आई हूँ द पैराडाइज रेस्टोरेंट में। ये प्योर वेज है, मैं खा के बताऊँगी यहाँ का खाना कैसा है, अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ये जो रेस्टोरेंट है ये प्योर वेज है, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं, और ये बोटैनिकल गार्डन के पास ही है, करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये। आज हमने एक दो स्पॉट और भी कवर किए थे, लेकिन वो मैं ऊटी के एपिसोड 3 में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।